गुड मॉर्निंग गाइस, यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज दिनांक है 1 अक्टूबर 2018 तथा हम 1 अक्टूबर 2018 से संबंधित बनने वाले सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तथा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ आपको सब्सक्राइब के लिए क्यों कहता हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि हर व्यक्ति को एक मोटिवेशन तथा टारगेट की ज़रूरत होती है जिससे वो अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट दे सके। तो मैं इसीलिए आपको सब्सक्राइब के लिए भी कहता हूँ। ज़्यादा सब्सक्राइब आने पर मैं अच्छे से अच्छे वीडियो और भी लेके आऊँगा। तथा अपन इसी के साथ आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत US सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? यह हाल ही में अभी एक सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया है US तथा भारत के द्वारा, जो कि यह अपने नॉर्थ इंडिया में किया गया है, उत्तराखंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चेन्नई में आयोजित 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता? तो वो इंडिया के युवराज वाधवानी है। तो अपन इसके एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश के चैंपियंस के बारे में जानेंगे। तो ये 25th एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप था जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ। इसमें युवराज वाधवानी ने अनास अली शाह, जो कि पाकिस्तान के हैं, उनको हराया है और युवराज वाधवानी दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले 2014 में भारत के वीर चौधरानी ने यह चैंपियनशिप जीती थी। ओके, तो ये अभी कहाँ हुए, जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप ये हुए चेन्नई में हुए, 25th है और अभी भारत के युवराज वाधवानी ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में भारत का पहला मकई महोत्सव आयोजित किया गया? यह हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में एक महोत्सव स्टार्ट किया गया जो भारत का पहला मकई महोत्सव था और ये मध्य प्रदेश में चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना शुरू की है? तो असम राज्य की सरकार ने अभी, जो कि वहाँ चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना को शुरू कर दिया है। कहाँ पे? असम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने एक एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक रोप वे स्थापित करने का समझौता किया, तो वह रोप वे किन के बीच लगेगा? ठीक है, तो इसका आंसर है आनंदपुर साहिब और नैना देवी के बीच। तो अपन इनके बारे में जानते हैं, आनंदपुर साहिब और नैना देवी है कहाँ पे? तो यहाँ के क्वेश्चन में दे रखा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, तो आनंदपुर साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है और ये आनंदपुर साहिब सतलज नदी के पास है। ठीक है, तो इससे उनको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, आनंदपुर साहिब एक तो सतलज नदी के पास है और रूपनगर में है। ठीक है, और नैना देवी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। तो इन दोनों के बीच एक रोप वे स्थापित करने के लिए अभी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों सरकारों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी इन्हें अध्यक्ष एन रवि को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अपन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी जानते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये 27 अगस्त 1947 को स्थापित की गई थी, जिन्हें अभी 71 साल पूरे हो गए हैं और ये स्थापित मद्रास में की गई थी। अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष एन रवि होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षा संबंधी धोखाधड़ी के आरोपों के चलते किस कंपनी के चेयरमैन एलन मस्क को हटा दिया गया है? तो एलन मस्क टेस्ला कंपनी से रिलेटेड है, उनके चेयरमैन है, तो इनको यहाँ से हटा दिया गया है। और टेस्ला एक कार कंपनी है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने उनसे धोखाधड़ी के आरोपों में चलते कंपनी के चेयरमैन एलन मस्क को हटा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अक्टूबर
5 अक्टूबर से शुरू हो रहे मिशन गंगा, इस राफ्टिंग अभियान का नेतृत्व तो कौन कर रहा है? तो ये बचेंद्री पाल करेगी। तो बचेंद्री पाल तो बहुत फेमस है, तो इनके बारे में भी जानते हैं। पहले तो अपन मिशन गंगा के बारे में जानते हैं। मिशन गंगा है क्या? मिशन गंगा एक प्रोजेक्ट है जिसमें गंगा को क्लीन करने तथा उनके लोगों के प्रति वेस्ट मैनेजमेंट को, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नेतृत्व तो बचेंद्री पाल करेगी। बचेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की चीफ है और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल की है। ठीक है, तो इसके बारे में ये, अब ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेगा? ये 5 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में होगा, जिनका इन रूट रहेगा बिंजोर, बिंजोर से फारुखाबाद, फिर कानपुर, अलाहाबाद, वाराणसी, बुक्सर और अंत में पटना। 30 अक्टूबर तक यह चलेगा। ठीक है, तो बचेंद्री पाल के तहत 20 महिलाओं सहित 40 सदस्य टीम 5 अक्टूबर को 1 महीने तक मिशन गंगा राफ्टिंग अभियान चलाया जाएगा। ओके, तो आज के अपने 1 अक्टूबर 2018 के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मैं आज आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे को मोटिवेट भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।